फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम बात करने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर के बारे में। दोस्तों कश्मीर फाइल्स भी बहुत ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत ही चली थी, ये भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। द वैक्सीन वॉर बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये दुख व्यक्त किया था कि यार बहुत कोई बज ही नहीं है, ये ट्रेलर आया सब कुछ आया तो अभी मतलब इतनी पब्लिसिटी किसी ने नहीं की है, वो बात ही नहीं हुई है ऑडियंस में। बहुत सारे क्रिटिक्स है, इन्होंने कई वैक्सीन वॉर के बारे में बात ही नहीं की थी। पर दोस्तों जैसे ये मूवी आई है मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ ये अब बहुत ही शानदार रहने वाली है, सबको ये अच्छे लगने वाली है और ये ऑडियंस ही इतना प्रेज करेगी ना और ये सभी देखने जाएंगे। दोस्तों क्या मूवी बनाई है, इस मूवी को पूरे 12 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो मतलब वुहान में ये आउटब्रेक हुआ, वहाँ ये बोलते कि नहीं लैब से हुआ वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वहां से लेके दोस्तों क्या अरे अरे आगे आगे फेज में दिखाते हैं कि दोस्तों कैसे हमने ये डायग्नोस्टिक किट डेवलप की, कैसे हमने वैक्सीन का डेवलप करना है वो हमने डिसाइड किया। बाद में वहां से लेके कितने हमें हर्डल्स मिले, कुछ मीडिया ऐसा बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं क्यों फॉरेन की अलाउ नहीं करते वगैरह वगैरह जो कुछ चैप्टर है। फिर एंड में कैसे हम वैक्सीन को बना देते हैं, तो पूरा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। बींग डॉक्टर बींग सर्जन मैंने भी दोस्तों बहुत काम किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मैं दोस्तों बहुत मैं भी खुद इतना खुश हुआ हूँ ना कि जो बारीकी डिटेल दिखाई है ना कि कैसे इसमें दोस्तों बहुत सारे मेडिकल टर्म्स का यूज़ ऐसा नहीं किया कि आपको पता नहीं चले, मतलब ये इवन आपको कोरोना जो वायरस है उसका आइसोलेशन करने से लेके दोस्तों वहाँ पर मंकी पे ट्रायल करना वगैरह फेजेस जो होते हैं बहुत से, तो दोस्तों ये फार्माकोलॉजी वाले को भी अच्छा लगेगा या माइक्रोबायोलॉजी वाले को भी अच्छा लगेगा, तो और हमको भी पूरे डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा, कॉमन पब्लिक को तो अच्छा लगने ही वाला है। बेहतरीन डायरेक्शन किया है बहुत सारा, मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री को हेड्स ऑफ, उसकी वाइफ पल्लवी जोशी उसमें किरदार कर रही है, NIU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की हेड दिखाई गई है दोस्तों इसमें। तो पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ नाना पाटेकर 5 साल के बाद हमें उन्होंने देखा है, यहाँ पर वो ICMR के हेड के किरदार में है। क्या एक्टिंग है दोस्तों, शानदार जानदार, उसके हर एक डायलॉग डिलीवरी पहले तो पता ही नहीं चलता कि ये नाना पाटेकर है, बहुत बेहतरीन है। लास्ट में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन है दोस्तों दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। कुछ दिन से तो मंकी वाले आपको आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि यार मंकी का क्या इंपॉर्टेंस होगा आपके लाइफ में, कुछ नहीं, वो मकाओ मंकी जिसको बोलते हैं, मकाक मकाक मंकी बोलते हैं दोस्तों। एक ये मंकी ने ही पूरे वैक्सीन डेवलपमेंट इसका बड़ा रोल है, मंकी है तो हम अभी वैक्सीन लेके जिंदा है। तो दोस्तों आपको हमको पता चला आप जिंदा है तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ही, पर दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं होता कि एनिमल का कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो यस मंकी का इतना इंपॉर्टेंस है, ऐसी छोटी चीज़ें आपको पता चलेगी। जी हाँ बहुत ही मतलब बेहतरीन बनाया है, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ दोस्तों ये बहुत ही शानदार अन करने वाली, अन तो करें ना करें दोस्तों करने वाली है, पर ये सभी लोग देखने जाएंगे। कुछ बोलेंगे कि दोस्तों ये पॉलिटिकल है वगैरह वगैरह, पर दोस्तों वो भूल जाओ ये साइंटिस्ट के लिए है, ये साइंटिस्ट कितने कितना ब्रेन यहाँ लगा है वैक्सीन बनाने में, तो ये दोस्तों उसके लिए ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी के जो भी कुछ साइंटिस्ट है उसके लिए हेड्स ऑफ है, उसके लिए उसके डेडिकेशन उसके नॉलेज और उसके परसिवियरेंस, कितना दिन रात मेहनत करके दोस्तों ने दोस्तों कोवैक्सीन बनाई है, तो ये सब लोगों के लिए ट्रिब्यूट है दोस्तों। और दूसरी बात किया फीमेल एम्पावरमेंट की भी बात की है कि वुमन ने कितने मतलब 70% तो इसमें वुमन जो पूरा साइंटिस्ट है उसमें 70% तो वुमन थी, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, तो ये भी बहुत शानदार तरीके से दिखाया है। तो यस दोस्तों डेफिनेटली ये मस्ट वॉच वर्थ वॉच है। हाँ पूरा आपको पुराना चीज़ याद आ जाएगी, हमको जो पूरा एक दुखी फेज था ना दोस्तों, तो पेनफुल फेज आपको याद आ जाएगा, पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी वो आपको पता चलेगी। तो मुझे तो बहुत ही शानदार लगी है, मैं तो मेरे मम्मी पापा को भी रिकमेंड करूँगा, मेरे सब पूरे फैमिली में हॉस्पिटल में सभी फ्रेंड्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देखिए ही देखिए, आप भी आप देखना और अच्छी लगे तो और किसी को बोलना कि ये देखे। अब मेरे तरफ से दोस्तों 4.5 पॉइंट दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि दोस्तों एक ही आधा पॉइंट है, हाँ उसमें कुछ मीडिया का नेगेटिव रोल रहा होगा, उसमें दिखाते हैं रोहिणी करके जो है एक्टर है रायमा सेन, तो एक रिपोर्टर है वो नेगेटिव ही पब्लिसिटी करती है इंडिया के खिलाफ सरकार के खिलाफ जो भी है, तो दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा, वो कंटेंट थोड़ा ओवर पावर्ड हो गया, इसीलिए आधा मैं काट रहा हूँ। हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं बोलता कि ऐसा नहीं हुआ होगा, पर दोस्तों ओवरऑल हाँ ये पूरी ड्रामेटाइज थोड़ा किया है पर बेहतरीन किया है, मुझे बहुत ही मज़ा आया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है और मैं तो 100% मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। विवेक रंजन अग्निहोत्री के लिए हेड्स ऑफ है, पूरे पूरे कैरेक्टर पूरे पूरे जो भी कोई एक्टर्स है उस सभी के लिए हेड्स ऑफ है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच।